नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 को लेकर एक और बड़ी अपडेट आपके सामने लेके आए। लगातार अभ्यर्थी कमेंट्स आ रहे थे कि सर एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 है उसको लेकर यहाँ पर 12 नवंबर को एक बड़ा यहाँ पर कुछ किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी मेडिकल पेट कैंडिडेट को भर्ती कराने का एक यहाँ पर कुछ है जो राजघाट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक किया जाएगा और इस दीपावली के त्यौहार पर एक बड़ा तोहफा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से कि सभी मेडिकली फिट कैंडिडेट है लगभग 85 से 90 हज़ार के लगभग, उन सभी को भर्ती होने का एक बड़ा मौका मिल जाए क्योंकि बहुत लंबा समय यहाँ पर हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों उसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है और आपकी पोस्ट प्रिफरेंस कैसे आपको मिलेगी, कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलेगी, आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, फाइनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग को लेकर सारी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर फाइनल मेरिट कब आएगी, कब तक ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो ट्रेनिंग सेंटर है उनकी रिपोर्ट है वो आज से कम 8 से 9 महीने पहले ही रिपोर्ट्स आ चुकी थी क्योंकि सेंटर लगभग सभी खाली पड़े हैं और सभी सेंटरों को कितने कितने कैंडिडेटों को ट्रेनिंग करवानी है ये चीज़ें भी आवंटित कर दी गई है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी न होने के कारण काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसीज खाली पड़ी है पैरामिलिट्री फोर्सेज में। हाल ही में गृह मंत्रालय में जो गृह मंत्रालय की सचिव है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया संसद में, बताया कि 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी, जी हाँ दोस्तों, भर्ती 2018 को छोड़ने के बाद में 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज पैरामिलिट्री फोर्सेज में खाली पड़ी है। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार के पास में इससे बड़ा मौका और नहीं आ सकता कि यहाँ पर उनको 85 से 90 हज़ार जो जवान मेडिकली और फिजिकली फिट और रिटर्न क्वालिफाई जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और यहाँ पर सभी मेडिकली फिट कैंडिडेट जो 2.5 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों 12 नवंबर को अगर आप भी राजघाट जा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप 2011 और 2015 की भर्ती के अभ्यर्थी हो तो भी आप जरूर जाइएगा क्योंकि वो जो आपका अभियान है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर है जिसमें बहुत सारी मांगे हैं वो सरकार के द्वारा सरकार की तरफ रखी जाएगी, जिनमें आपके मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सभी मेडिकल पिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, पहला मुद्दा तो यही रखा गया कि सभी मेडिकली फिट जो मेडिकली फिट कैंडिडेट है सभी को भर्ती किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जो अगली भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब ओवरेज हो जाएंगे और वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि एसएससीजीडी में उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट के नाम पर अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो 30 हज़ार कैंडिडेट बाहर होने वाले। दोस्तों 30 हज़ार कैंडिडेट के फ्यूचर का सवाल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जाइएगा। साथ में जिन कैंडिडेटों के अच्छे नंबर है, मैं बता देता हूँ फिर से, जिन कैंडिडेटों के अच्छे नंबर है 5 से लेकर 10 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, जिनको लगता है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन अगर आपकी वैकेंसी बढ़ती है तो आपको पोस्ट प्रिपरेशन का एक और मौका मिल जाएगा। इसलिए अगर आपके 5 से 10 नंबर ज़्यादा है तो भी आप भी जरूर राजघाट जाइएगा, वैकेंसी बढ़ेगी, फायदा सभी को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फायदा सभी को मिलने वाला है। अगर आपकी वैकेंसी बढ़ती है तो पोस्ट प्रिपरेशन का एक मौका आपको और मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सभी मेडिकल फिट के लिए अपडेट है कि कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है, कौन सी पोस्ट की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है। दोस्तों आपकी जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई है, स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट की आपके अलग अलग ही कट ऑफ रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कट ऑफ है वो अलग अलग ही आपकी रहने वाली है। तो ऐसे में कुछ राज्य ऐसे जिनकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उनकी कट ऑफ 0.5 से लेकर 1 तक बढ़ने वाली है। अगर आपकी वैकेंसी बढ़ती नहीं है तो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे, स्ट्रगल करोगे, अगर आप सभी राजघाट जाओगे तो आपकी वैकेंसी को बढ़ाना ही पड़ेगा सरकार को।
वही बात करें तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर हाई कट ऑफ रही थी, तो उन राज्यों में आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। अब पोस्ट प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं कि वो कौन सी पोस्ट है जिनकी कट ऑफ सबसे हाई रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हाई कट ऑफ वाले। तो सबसे हाई कट ऑफ रहती है NIA और SSR। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मेरिट बनती है जिसके कारण इनकी कट ऑफ हाई रहती है। अगर बात करें उसके बाद में, तो सबसे उसके बाद में NI SSR को छोड़ने के बाद में तीसरे नंबर पर हाई कट ऑफ रहती है CISF की। दोस्तों CISF में वैकेंसी आपकी बढ़ा दी गई है, लेकिन कट ऑफ CISF की हाई ही रहने वाली है सबसे ज़्यादा। चाहे आप कोई से भी राज्य से बिलोंग करते हो, आपकी कट ऑफ है सबसे हाई कट ऑफ है वो CISF की ही आपको देखने को मिलने वाली है। सेकेंड नंबर की जो कट ऑफ रहती है दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेज में, कौन सी पोस्ट में यह भी बता देता हूँ, जिनकी कट ऑफ हाई रहेगी उनकी चॉइस ज़्यादा होगी, और चॉइस ज़्यादा होगी इसका मतलब वो पोस्ट अच्छी है, तभी ज़्यादा लोग उसे चॉइस कर रहे हैं। दोस्तों सेकेंड नंबर होगी आपकी SSB। SSB भी काफ़ी अच्छी पैरामिलिट्री फोर्सेज, एक छोटी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, यहाँ पर भी आपको प्रमोशन टाइम टू टाइम मिल जाता है, सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं CISF और SSB के बाद की। अगर यहाँ पर बात करें तो आपका थर्ड नंबर है कट ऑफ, थर्ड नंबर जो आपकी कट ऑफ हाई रहती है वो रहती है यहाँ पे CRPF की। जी हाँ दोस्तों CRPF की, और CRPF के बाद में आपके रहती है BSF की। BSF के बाद में आपकी रहती है ITBP, और ITBP के बाद में आपकी रहती है असम राइफल की। दोस्तों असम राइफल भी एक अच्छा जॉब है, लेकिन इसकी वैकेंसी कम होती है, और ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं वो असम राइफल को चॉइस करते हैं, क्योंकि असम राइफल का जो वर्क होता है वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट इलाके में ही रहता है। दोस्तों BSF और CRPF में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, क्योंकि सबसे बड़ी फोर्सेज है CRPF, सबसे बड़ी फोर्स है वही BSF, बॉर्डर इलाकों में गश्त करने वाली सबसे बड़ी फोर्स है। तो इसमें इनमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पदों की कमी रहती है, तो इनमें वैकेंसी ज़्यादा निकाली जाती है, क्योंकि जवानों की सबसे ज़्यादा जरूरत इन्हीं दोनों फोर्सेज में पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर BSF की बात करें तो BSF को लोग कम चॉइस करते हैं, CRPF को भी लोग कम चॉइस करते हैं, लेकिन CISF, SSB, ITBP को भी लोग अच्छे चॉइस करते हैं, असम राइफल को भी करते हैं, CRPF और BSF को थोड़ी कम चॉइस करते हैं, और वैकेंसी इनकी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इनकी कट ऑफ है वो भी थोड़ी कम रहती है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होती है, अगर सभी मेडिकल क्विट को भर्ती किया जाएगा, तो ऐसे तो भर्ती किया नहीं जा सकता, पहले आपकी वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, उसके बाद ही आपका यहाँ पर मेडिकल पिट कैंडिडेटों के लिए एक बड़ी खबर और खुशखबरी मिल सकती है, जिसमें अगर वैकेंसी बढ़ती है, वैकेंसी बढ़ेगी तो दोस्तों 30,000 प्लस वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, अगर इतनी वैकेंसी बढ़ाई गई तो यहाँ पर आपको जो आपकी वैकेंसीज, आपकी जो पोस्ट प्रिफरेंस है वो चेंज करने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ 2011 की भर्ती की, 2011 में जब फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली थी, उससे कुछ दिन पहले ही वैकेंसी को बढ़ाया गया था, वो भी 50,000। जी हाँ दोस्तों, 50,000 वैकेंसी बढ़ा दी गई थी मात्र फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले। तो आपकी भी जो वैकेंसी है वो बढ़ सकती है, क्योंकि पैरा मिलिट्री फोर्सेज में 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको SSGD कॉन्स्टेबल 2018 भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।